हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। देखिए, आज हम आपको टाइम एंड टेंस के ट्रिक के साथ साथ इसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बतलाने वाले हैं। जैसे हम देखेंगे कड़ाई के सेंटेंस में कि नेहा टॉक्स एज इफ या एज दो सी डैश माय बॉस। मतलब इसका मतलब हुआ कि नेहा ऐसे बात करती है मानो कि वह मेरी बॉस है। देखिए, इसमें एक रूल है, कहा जाता है कि जहाँ पे एज इफ हो या एज दो लगा हो वहाँ हम सब्जेक्ट कोई भी हो हम वेयर का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि यह अनफुलफिल्ड डिजायर होता है, मतलब इसमें माना जाता है कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जैसे नेहा टॉक्स एज इफ या एज दो सी वर माय बॉस। नेहा ऐसे बात करती है मानो को मेरी बॉस है, यानी वो मेरी बॉस है नहीं, मतलब ये फुलफिल्ड डिजायर नहीं है। तो हम यहाँ वेयर भर देंगे या वर कहते हैं उसको, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है ना। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है दूसरा नंबर है, कह रहा है कि डिड यू डैश माया। देखिए, जहाँ भी डी डू डज डिड का प्रयोग हो उसके बाद भी वन का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ भी देखिए किसी वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग हो तो हमेशा भी वन लगाइएगा। था साव क्या है, साव जो है भी टू है, यानी भी टू है। सीन क्या है, भी थ्री है। सी क्या है, भी वन है। और सीज क्या है, वी फाइव है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन भी है और आंसर भी क्या है, सी है, एस डबल ई सी है। आगे है, कहता है कि द अर्थ डैश राउंड द सन। देखिए, जो भी वैश्विक घटनाएं होती है वो सत्य घटनाएं होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्रिया का दो ही रूप हो सकता है, एक भी वन और एक भी फाइव। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी फाइव लगाते हैं। भी फाइव को कैसे पहचानेंगे, क्रिया के अंत में एस या एस लगा होता है, समझे। और भी वन क्रिया का मूल रूप होता है। तो अर्थ चूंकि सिंगुलर है इसलिए अपने आंसर कहा जाएगा, मूव्स हो जाएगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीना डैश टू स्कूल एवरी डे या डेली। एक बात का ध्यान रखना है, जिस किसी वाक्य में एवरी डे या डेली वर्ड का प्रयोग हो जाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। यह लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में डेली, एवरी डे, यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, इसको याद कर लेना है। ये जितने भी एडवर्बियल फ्रेज इसको बोलते हैं, ये जितने भी एडवर्बियल फ्रेज हैं उनका प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट होने का मतलब है कि भी वन या भी फाइव का होना। तो इस बात पर निर्भर करता है कि भी वन होगा कि भी फाइव होगा, वो सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी फाइव लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी वन लगाइएगा। चूँकि मीना एक लड़की है, एक व्यक्ति है, तो हम उसमें गोज लगाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आई डैश यू टुमोरो या द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर टुमोरो। देखिए, टुमोरो वर्ड द नेक्स्ट डे या द नेक्स्ट डे दो बार हो गया ना, द डे आफ्टर टुमोरो, ठीक है, इनका प्रयोग हो तो हम समझ जाएंगे कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि टुमोरो, ये एक ही रूल काफ़ी है, मतलब एक ही रूल बोल रहे हैं, एक ही वीडियो काफ़ी है आपको टेंस के मतलब रूल को समझने के लिए, एडवांस रूल को समझने के लिए, और इससे कहीं अलग से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप गांठ बांध के रख ले कि इसमें 10,000% क्या जितना बार कहिएगा उतना परसेंट कह सकते हैं कि आपके जनरल टेंस से कोई आंसर आने वाला क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जनरल सबको पता होता है, तो आपके एडवांस रूल्स ही आएंगे और इसमें एडवांस रूल लिखे गए हैं। मात्र 18 या 20 क्वेश्चन होंगे इसमें जो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप सबसे पहले 10 मिनट समय निकाल कर इसको पक्का देख लेंगे, मतलब इस रूल के अलावा और कहीं से नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग ताकि और लोग पास पहुंच जाए। कह रहा है कि टुमोरो, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमोरो का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है। देखिए, फ्यूचर टाइम का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वी वन और वी फाइव। अगर
व्यूअर भी फाइव हो तो वहाँ पर हम उसमें से कोई उचित लगा देंगे, नहीं तो इज एम आर, इज एम आर प्लस वी फोर का प्रयोग हो तो इसमें से लगा देंगे। तो हमने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे क्या होता है। तो सॉ मतलब क्या है, ए में सॉ है, बी में सीन है, सी में सी है और डी में है सीन है। तो इसमें कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस का मतलब रूप नहीं है, यानी इज एम आर प्लस वी फोर नहीं है, तो नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में वी वन या वी फाइव होता है, तो ए जो है वी टू है, बी जो है वी थ्री है, सी जो है वी वन है और डी जो है हैड प्लस वी थ्री है, हैड प्लस वी थ्री है। तो जाहिर सी बात इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आई डांस टू आगरा टुमारो द नेक्स्ट डे द डे आफ्टर टुमारो। क्वेश्चन उसी प्रकार से हैं लेकिन हमने पहले ही बताया है कि इनका प्रयोग अगर होगा तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन आई के साथ हम दो चीज़ का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, वी वन करते हैं और नहीं तो इज एम आर के बाद में वी फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो गोज तो किसी कीमत पर होगा नहीं क्योंकि आई के साथ हम गोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वेंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो वर्ड्स आगे लगे हुए हैं ये फ्यूचर टाइम को बतला रहे हैं, और डी भी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, आई एम गोइंग, क्योंकि या तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में है ये तो जरूर है, बट इसका ऑप्शन रॉन्ग है ना, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए सी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो या द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर टुमारो, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हैव यू डैश इट। तो जैसे कहता है कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग हो तो हम वी थ्री का प्रयोग निश्चित रूप से कर देते हैं, जिसमें वी थ्री कौन है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि माई अंकल डैश होम अ वीक अगो यस्टरडे या लास्ट डे या इन 2015। अब बात यहाँ यहाँ है, देखिए कहता है कि जिस वाक्य में अगो वर्ड का प्रयोग हो जाए या यस्टरडे वर्ड, अच्छा यस्टरडे लगा होना चाहिए, चाहे वो डे बिफोर यस्टरडे हो, है ना, या यस्टरडे वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, लास्ट हो यानी लास्ट डे हो, लास्ट मंडे हो, लास्ट संडे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, वहाँ हम सिंपल पास्ट का उपयोग करेंगे। या इन 2015 लिखने का मतलब ये हो गया, या इन 1947 लिखने का मतलब ये हो गया, क्योंकि 2022 चल रहा है ना, 2022 इससे पहले कोई भी अगर ईयर आएगा वो पास्ट में आएगा, तो वहाँ पर हम वी टू का उपयोग करेंगे, समझे। तो माय अंकल, तो वी टू इसमें कौन है, वेंट है यानी सी है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आई डांस अ स्टोरी नाउ अ डेज, सॉरी आई नाउ या एट द टाइम या एट द मोमेंट या करेंटली या प्रेजेंट डे या एट प्रेजेंट या नाउ अ डेज या दिस डेज, है ना। ये सभी जो वर्ड्स हैं यहाँ देखिए, जिस वाक्य में नाउ, एट द टाइम, एट द मोमेंट, करेंटली या एट प्रेजेंट या नाउ अ डेज या दिस डेज का प्रयोग हो, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि इज, एम, आर प्लस वी फोर, यानी वी फोर का मतलब समझते हैं किसी भी क्रिया में आई एन जी का प्रयोग होना। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल रीडिंग तो नहीं होगा, इसलिए केवल रीडिंग नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आई डांस हिम फॉर फाइव ईयर्स, जहाँ भी फॉर या सिंस का प्रयोग हो जाए वहाँ पे हैज हैव बीन प्लस वी फोर का उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है, एक और बात है कि हैव प्लस वी थ्री का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, ए नंबर में तो हैज हैव बीन प्लस वी फोर है ही और हैव प्लस वी थ्री भी है, तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इसका रूल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जिस बच्चे को इसके बारे में पहले जानकारी नहीं है तब तो उनके बस की बात नहीं है, अगर पहले से उनके पास जानकारी है इसकी तो बहुत अच्छा है, तब वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगला कह रहा है कि राहुल डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग। देखिए जहाँ भी बिफोर वर्ड लग जाए तो पहले हैड प्लस वी थ्री लगाइएगा, क्या लगाइएगा, हैड प्लस वी थ्री,
और बाद में क्या लगाइएगा वी टू, तो वी टू तो पहले से है ही रैंक, तो पहले हैड प्लस वी थ्री लगना चाहिए, बिफोर अगर लगा हो तो हैड प्लस वी थ्री कहाँ है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं, सी में है तो सी हो जाएगा, और यही बिफोर में बाद में क्या आएगा वी टू आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर, जब भी किसी वाक्य में अगर आफ्टर का प्रयोग हो जाए तो पहले वी टू हो जाएगा। देखिए बिफोर वाले में पहले हेड प्लस वी थ्री होगा, बाद में वी टू होगा, और आफ्टर वाले में पहले वी टू हो जाएगा और बाद में हेड प्लस वी थ्री हो जाएगा। तो हेड प्लस वी थ्री किसमें है, सी नंबर में है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आई डैश माई वर्क बाई टेन या टुमारो या जनवरी या 2022, हालांकि इसको बदल देना चाहिए, इसको 23 कर देना चाहिए, अभी तो 2022 चल रहा है ना, इसको 3 कर देते हैं फ्यूचर के टाइम। जब भी बाई के बाद में कोई ना कोई फ्यूचर टाइम आ जाता है उसको हम, कहाँ पे लिखा हुआ है, जिस वाक्य में बाई प्लस टाइम वर्ड लगा हो, फ्यूचर टाइम का होना इम्पोर्टेंट है, तो उसमें शैल विल के बाद प्लस हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं, इसमें सही कौन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी नंबर भी सही हो जाता, लेकिन जाहिर सी बात है कि आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, विल तो नहीं लगेगा। हाँ अगर शैल नहीं होता तो हमको बी विल लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आई शैल डैश माई वर्क, तो जैसे शैल का इस्तेमाल होगा इस बात का ध्यान रखिएगा, शैल और विल, यही नहीं जितने भी मॉडल्स होते हैं और इनका प्रयोग कर दिया जाए तो उसमें वी वन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए वी वन किस में है, जो यहाँ पे ये जो ए नंबर है, ए नंबर में क्या है वी टू है, बी नंबर में क्या है वी फाइव है, सी नंबर में क्या है, सी नंबर में वी वन है, और डी नंबर में क्या है तो विल है प्लस वी थ्री है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमको वी वन का इस्तेमाल करना है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि आई हैव जस्ट डैश देयर, तो जैसे भी हैज हैव का प्रयोग होगा तो हम समझ जाएंगे उसका वी थ्री का प्रयोग होगा, तो गॉन तो डी नंबर हो जाएगा, लेकिन इसको उस रूल को देख लेते हैं। कहते हैं जिस वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, येट, अप टू नाउ, एज इट, येट, येट से दो बार हो गया, हाँ कोई बात नहीं है, टिल नाउ, इटीसी का प्रयोग हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ये भी ध्यान रखना है कि इन वाक ये जो जितने भी शब्द हैं ये होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो जाहिर सी बात आपको वी थ्री लगाना है, लेकिन जहाँ हैज हैव हैड हो जाए, जहाँ पे हैज हैव और हैड हो जाए वहाँ भी हम वी थ्री का प्रयोग करते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इट इज टाइम आई डैश देयर, सीधा इस बात को समझना है कि जहाँ भी इट इज टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम लगा हो, देखिए इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं इट्स, है ना, तो हम वहाँ पे वी टू का प्रयोग करते हैं। देखिए कि इसमें वी टू कौन है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, ए वी टू होगा। ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इफ़ प्लस आई विश, यानी इफ़ प्लस नहीं, इफ़ या आई विश लगा हो तो हम वहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें यही नहीं, अब यहाँ पे आई विश केवल लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए इफ़ लगा हो, आई विश लगा हो, ही विशेज लगा हो, सी विशेज लगा हो, या ओ दैट लगा हो, या वुड दैट लगा हो, वुड दैट लगा हो, या इफ़ ओनली लगा हो, तो भी आप इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग हो तो उसमें से केवल वेयर का ही प्रयोग करेंगे। आपको लगेगा कि अरे भाई यहाँ पे तो आई है, आई के साथ तो वॉज लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसमें इसीलिए वेयर का प्रयोग होगा कि यह अनफुलफिल्ड डिजायर है, मतलब इसमें इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब होता है कि काश मैं राजा होता, इसका मतलब मैं राजा हूँ नहीं, मतलब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी रहे, सिंगुलर हो प्लुरल हो, वहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। आगे कह रहा है कि फाइव डेज हैव पास्ड सिंस आई डैश टू दिल्ली, हालांकि इसका प्रयोग कंपटीशन में ज़्यादा होता है, एसएससी इत्यादि के एग्जाम को देंगे तो वहाँ इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी बता दें अगर ऐसे वाक्य हो जैसे फाइव डेज हैव पास्ड, है ना, सिंस डैश टू दिल्ली, जिस जब सिंस को बीच में इस्तेमाल किया जाए
तो उसके बाद वी टू का इस्तेमाल करेंगे, अब पहले हैज है प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करेंगे, हैज है प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जिस वाक्य में सिंस का प्रयोग हो, प्रयोग दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हो, तो उसमें सिंस वाले वाक्यांश में वी टू का प्रयोग करते हैं और बचे हुए वाक्यांश में हैज प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं। जहाँ कि हम बता दिए आप लोगों को, देखिए इसको उलट सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस आई डैश टू दिल्ली कॉमा फाइव डेज है पास्ट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें सिंस वर्ड का प्रयोग हुआ हो उसमें हम वी टू मतलब उसके बाद वाले क्लोज में वी टू और पहले वाले में हैज है प्लस वी थ्री, तो हैज है प्लस वी थ्री तो लगा ही हुआ है, तो वी टू क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वेंट ही वी टू है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इतना ही स्लाइड्स बनाए गए हैं और इतना जो रूल है बहुत ही बेहतरीन रूल है आपके लिए, और इस पर एक वीडियो बनाएंगे है ना, जो उसको और जनरल से लेकर स्पेशल रूल को जोड़ेगा। थैंक यू। अगर आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।